मायसेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी और मैं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये स्मृति पर बना रहे हैं हम और मेमोरी पर बना रहे हैं, और वो इसलिए बना रहे हैं कि BEd और STC दोनों के ही पाठ्यक्रम का ये एक अभिन्न अंग है और साथ में रीट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मेमोरी की, स्मृति की। स्मृति क्या होती है? तो स्मृति मतलब होता है याद करना। तो याद कैसे रह जाता है, मेमोरी क्या होती है? तो हम कहते हैं कि मेमोरी होती है किसी सीखे हुए व्यवहार को, किसी सीखी हुई बात को लंबे समय तक याद रखना या उसे संजो कर रखना मेमोरी कहलाता है। अनुभवों को इकट्ठा करके रखना, और आप एक तरह से मानेंगे कि यह सामान्य संचय का क्षेत्र होता है या संचय का भंडार होता है जिसमें बहुत सारा सीखा हुआ व्यवहार, सीखे हुए अनुभव इकट्ठे होते रहते हैं। ये अलग बात है कि वो कितने समय तक रहते हैं और इतने समय तक क्यों रहते हैं। कुछ बात हमें याद रहती है, कुछ बात हम भूल जाते हैं, ये विषय अलग है। अभी हमारी बात सिर्फ मेमोरी पे हो रही है कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी है अनुभवों को संचय करना, सबसे पहले अनुभवों को प्राप्त करना, फिर अनुभवों को संचय करना, उनको संजो कर रखना लंबे काल तक या बहुत कम समय तक, कैसे भी उनको संजो के रखना और उनका विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना मेमोरी कहलाता है। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है हम इस पर बात करते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और बात करते हैं मेमोरी के प्रकार की। तो आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें मेमोरी के 12 प्रकारों पर बात की गई है। चलिए हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ स्मृति के प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिएगा, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप की। टाइप में हम बात कर रहे हैं तात्कालिक स्मृति की। तात्कालिक स्मृति के बाद है स्थायी स्मृति, स्थायी स्मृति के बाद है अस्थायी स्मृति, फिर व्यक्तिगत स्मृति, फिर अव्यक्तिगत स्मृति, फिर सक्रिय स्मृति, फिर निष्क्रिय स्मृति, फिर यांत्रिक स्मृति, फिर रटंत स्मृति, फिर तार्किक स्मृति, फिर शारीरिक स्मृति, फिर शुद्ध स्मृति। चलिए आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं डिटेल से कि तात्कालिक स्मृति क्या होती है। चलिए हम बात करते हैं तात्कालिक स्मृति की कि तात्कालिक स्मृति क्या होती है। स्मृति का पहला प्रकार है, तो तात्कालिक स्मृति को हम दूसरी भाषा में, जैसा आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तात्कालिक स्मृति को हम दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में सांवेदिक स्मृति कहते हैं। यह वो स्मृति होती है जो सुनते ही तुरंत याद हो जाती है और तत्काल हम इसे दोहरा लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों की अपेक्षा जो प्रौढ़ होते हैं उसमें तात्कालिक स्मृति अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप स्मृति के प्रकार के दूसरे नंबर पर, और वो है स्थायी स्मृति। स्थायी, जैसा कि इसके नाम से आप पता कर पा रहे होंगे, कुछ बातों को याद करने पर कभी भी भुलाया नहीं जाता, मतलब वो लंबे समय तक याद रहती हैं, या बताने की हम किसी को बताना चाहें तो हम बहुत लंबे समय तक भी वो बात उसे बता देते हैं, और इसी को हम स्थायी स्मृति कहते हैं। ये स्मृति भी प्रौढ़ों में, प्रौढ़ जो होते हैं उनमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे अस्थायी स्मृति की। अस्थायी स्मृति, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं, लघु अवधि स्मृति बोल सकते हैं, STM बोल सकते हैं शॉर्ट में। ये सीखने के थोड़े समय पश्चात ही दोहराने की क्षमता जो होती है वो हमें करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसे ना दोहराएंगे तो ये समाप्त हो जाती है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट व्यक्तिगत स्मृति की। व्यक्तिगत स्मृति क्या होती है? स्वयं के जो अतीत के अनुभव हैं, और अवसर आने पर जब वो हमारी स्मृति में आ जाते हैं तो व्यक्तिगत स्मृति कहलाते हैं। फिर हम बात करेंगे अव्यक्तिगत स्मृति की। इसका अव्यक्तिगत जो स्मृति होती है, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, दूसरों के द्वारा सुनी हुई बातों से होता है, और इसमें व्यक्तिगत मित्रता अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे सक्रिय स्मृति की।
वे बातें जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत चेतन पर आ जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, अगर वो तुरंत हमारे को आ गई, किसी व्यक्ति को देखा और तुरंत हमें याद आ गया, तो आप ये देखेंगे ये होती है सक्रिय स्मृति। अब हम बात करेंगे निष्क्रिय स्मृति की। निष्क्रिय स्मृति क्या होती है? बहुत पुराने अनुभव, पहले के अनुभव, जिनको बहुत अधिक ऐसे सोचते रहते हैं, अरे कौन व्यक्ति था जो हमें मिला था, कब मिला था, हमने कहाँ देखा था, हमें क्यों क्लिक हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव जो अत्यधिक प्रयास से पुनः स्मरण आ जाते हैं, उनको हम निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। फिर हम बात करेंगे यांत्रिक स्मृति पर। यांत्रिक स्मृति जो है वो है अपनी, अब उसको कहते हैं हम यांत्रिकों की आदत जन्य, ये जो यांत्रिक स्मृति है वो क्या कहलाती है? आदत जन्य स्मृति कहलाती है। क्या होती है आदत यंत्र? देखिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जैसे मोटर है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, चलाते समय कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रिया बिल्कुल मशीनरी टाइप करता रहता है, यंत्रवत करता रहता है, मतलब वो उसका अभ्यस्त हो जाता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कहाँ स्पीड ब्रेकर आया है, कहाँ स्पीड बढ़ानी है, कम करानी है, चाहे वो फ़ोन पर बात करता रहे, मांसपेशियाँ उसकी अभ्यस्त हो जाती हैं और उससे अनुसार वो काम करता है। और इसके लिए स्मरण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती यांत्रिक स्मृति में, कि अपन स्मरण करें कि हमें ब्रेक कैसे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। ये वाली स्मृति कहलाती है यांत्रिक स्मृति। चलिए अब बात करते हैं हम रटंत स्मृति की। रटंत स्मृति क्या होती है? किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कंटेंट को बिना अच्छी तरह से समझे धारण कर लेना, और आवश्यकता पड़ने पर जब भी उस सीखी हुई कंटेंट की, विषय वस्तु की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो पुनः उसको स्मरण शक्ति, उसे चेतन में ले आना, उसका स्मरण हो जाना पुनः, तो ये रटंत स्मृति कहलाती है। इस स्मृति का दूसरा नाम मस्तिष्क स्मृति भी है। फिर हम बात करेंगे तार्किक स्मृति की, कि तार्किक स्मृति क्या होती है? कोई भी विषय वस्तु है जिसे हमने खूब खूब अच्छी तरह से सीख कर समझ कर अपने अंदर धारण किया है और पुनः हमने उसका स्मरण कर लिया, तो ये तार्किक स्मृति कहलाती है। और तार्किक स्मृति का दूसरा नाम है बौद्धिक स्मृति। फिर हम बात करते हैं शारीरिक स्मृति की, जैसे टाइप करना, तबला बजाना, नृत्य करना, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से होती हैं, और इस स्मृति का प्रकाशन का जो माध्यम है वो भी शारीरिक है। अब हम बात करते हैं शुद्ध स्मृति की। इसे सर्वोत्तम स्मृति कहते हैं। इसमें याद किए हुए तथ्यों से स्वतंत्र रूप से पुनः क्रमबद्ध स्मरण करना कहलाया जाता है। चलिए अब हम इतनी सारी विषयों पर बात कर रहे थे कि ये कितने कितने प्रकार की होती हैं, तो और हम स्मृति को क्या कह सकते हैं? अगर एक लाइन में हम ये कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्मृति क्या है? एक नया अनुभव है। स्मृति क्या है? एक सामान्य संचय शक्ति है जो चेतना स्तर पर आ जाती है, या जो भी बात हमने पहले सीखी उसको स्मरण करना ही स्मृति है। चलिए व्हाइट बोर्ड पर जिन स्मृतियों के बारे में हमने 12 स्मृतियों के बारे में बात की है, उनके दूसरे नाम कौन से हैं, उसको अब हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, तात्कालिक स्मृति का दूसरा नाम है सांवेदिक स्मृति, मतलब हम सांवेदिक स्मृति के नाम से भी तात्कालिक स्मृति को बुला सकते हैं। फिर आप देखेंगे रटंत स्मृति जो है उसे मस्तिष्क स्मृति भी कहा जाता है। फिर देखेंगे आप 10वें नंबर पर तार्किक स्मृति जो है उसे बौद्धिक स्मृति भी कहा जाता है। फिर हम देखेंगे 12वें नंबर पर शुद्ध स्मृति, और शुद्ध स्मृति को सर्वोत्तम स्मृति भी कहा जाता है। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे एक अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती है, एक अच्छी स्मृति के क्या अंग हैं, और जब हम इस पर बात करेंगे फिर अगला हम टॉपिक लेंगे वी स्मृति। बहुत बहुत धन्यवाद।